परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर बहुत सामर्थी है, अनुग्रहकारी है, और वो करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी समझ से बाहर है, परे इसको बोलते हैं। हम लोग इस एक हमने नई चीज शुरू की है अगली सीरीज से पहले। अभी तक आपने बाइबल के वचनों को केवल पढ़ा और सुना है, आपने परमेश्वर के दर्शनों के विषय में बाइबल में पढ़ा है, लेकिन अभी तक आपने दर्शन देखना शुरू नहीं किया। और आपको मालूम है नया जीवन, ये जोई लाइफ, ये देखने से शुरू होती है। जब तक आपको देखेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में मसीही जीवन की शुरुआत नहीं हुई है। ये आप धोखा मत खाइएगा कि आपको बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बाइबल पढ़ने से। हमने आपको दो पार्ट इसके भेजे थे कॉम्प्लीमेंट्री, अभी हम उसकी इसी पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे, टॉपिकली बढ़ेंगे, अभी कोई सीरीज नहीं शुरू करेंगे, केवल टॉपिकल रहेगा और टॉपिक यही रहेगा रेवलेशन, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद जब इसकी सीरीज में चलेंगे, हम चाहते हैं कि सीरीज शुरू होने से पहले आप लोग देखना शुरू कर दें। दर्शन आपने सुना होगा, और अक्सर लोग कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, किसके? आज तक किसी को दर्शन हुआ नहीं है, बट दे यूज टू, वो बोलने का आदि हो गए हैं, दे आर यूज टू ऑफ सेइंग हम दर्शन करने जा रहे हैं, किसके? दर्शन का मतलब ही रेवलेशन है, आई एम गोइंग फॉर रेवलेशन। आप इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आई एम गोइंग फॉर रेवलेशन टू हूम, किसका? अभी तक दर्शन मिला नहीं। और जो लोग दर्शनाभिलाषी होते हैं उन्हीं को दर्शन मिलेगा, दर्शन सबको नहीं मिलता, दर्शन दुर्लभ है। क्या है? आप आयते बोलते रह जाएंगे, यीशु मसीह आके वो जो जिनकी आंखें देख रही होंगे ना उन्हें लेके चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कुछ नहीं, इस संसार में सब वैसे ही चला रहेगा, द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड वो वैसे ही रहेगा, और यानी बहुत भयानक होता चला जाएगा और लोग पीड़ित होते चले जाएंगे और ये कहेंगे कहां प्रभु, कहां प्रभु, और ये नहीं मालूम कि ये पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं दी गई थी। ये ठीक वैसे ही हुआ कि जैसे 10 आज्ञाएं पढ़ने के लिए नहीं दी गई ना, देखने के लिए दी गई। 10 कमांडमेंट्स का जो खास बात थी वो पिक्टोरल लैंग्वेज थी, तो उसमें पिक्चराइज था, आपको देखना था, यहूदी लोगों को वो देखना था, उन लोगों ने देखा नहीं, वो पढ़ने में लग गए, पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, कहां पहुंचे आज? आज आप नए नियम में जाके देखिए, इज़राइल को परमेश्वर ने कठोर कर दिया ना, अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, अब किसकी तरफ आया? अन्य जाति की तरफ। अच्छा, जो सेम प्रॉब्लम उधर थी वही सेम प्रॉब्लम इधर आ गई, कलीसियाओं में क्या हो रहा है? पढ़ना पढ़ाना, परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं, परमेश्वर का राज्य है सामर्थ में। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन अटरेंस, हमारे बोलने से नहीं है, हम प्रचार आपको कर रहे हैं, इसीलिए प्रीचिंग एक डिफरेंट चीज है, टीचिंग इज इंपॉर्टेंट, टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। हम इस सब्जेक्ट को साथ साथ सब सब्जेक्ट में इसको अंडरस्टैंड करते चलेंगे, क्योंकि जब हम कोई एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं उसके चारों तरफ की सारी चीजों को क्लियर करना होता है, इसलिए स्पीड स्लो रखनी पड़ती है। परमेश्वर के वचन में बहुत खास बात लिखी हुई है, पर मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 27 पद, हिंदी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 27 पद। मेरे पिता ने, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पिता ने, कौन? पिता परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को, ये कितनी सत्य है ये बात, ये बताइए कितनी सत्य है।
अब आप ये बताइए, यहाँ पर बैठे लोगों से मैं पूछूं कि यीशु मसीह कैसा है, तो आप ये जो पिक्चर्स देखते हैं इन्हीं के हिसाब से बता देंगे यीशु मसीह ऐसा है? आपका पिक्चर गलत है, आपके माइंड में पिक्चर गलत है। यीशु मसीह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो आपने उसकी फोटो देखी है। ये फोटो काल्पनिक है, ये काल्पनिक फोटो है। उसकी वास्तविक यीशु मसीह को किसने देखा? नहीं देखा ना। क्या देखना चाहते हैं? लेकिन उसके लिए मालूम है बॉर्न अगेन होना, यानी आत्मा में जीवन होना, और फिर स्पिरिचुअलाइज, आप साक्षात यीशु मसीह को देखेंगे। ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन आपके जीवन में फुलफिल हो जाएगी, आपको उसका दर्शन मिल जाएगा। जी, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। यानी पिता को कौन जानता है और पुत्र को कौन जानता है? केवल पिता। और पिता को कौन जानता है? केवल पुत्र। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। केवल जानना नहीं है, इसमें पहचानना है। आगे पढ़िए, और तीसरा वो है जिस पर, अब ये किसकी मर्जी पे आ गया? अब ये बताइए, आप पिता को, पिता परमेश्वर को कैसे दर्शन पा सकते हैं बिना पुत्र के? यहां पे तो सारी सत्ता उसके हाथ में दे दी कि जिस पर ये चाहेगा ये उसको पिता को प्रकट करेगा। तो पिता को प्रकट करने की बात की जा रही है, ना कि दिखाने की बात की जा रही है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह क्या रहा है? इसकी भाषा की थोड़ी इसकी गहराई में उतरी है। वो क्या बता रहा है कि जो बाइबल पढ़ेगा वो पिता को देख लेगा, पुत्र को देख लेगा, जो वचन सुनेगा वो पुत्र को देख लेगा। ये तो आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर इतना लंबा हमको चलना पड़ा ताकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन जाए कि दुनिया में परमेश्वर को कोई नहीं जानता। सब अपना अपना पर्सपेक्टिव लेकर खड़े हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर खड़े हैं, अपना ओपिनियन लेकर खड़े हैं, और किसी के ओपिनियन को आप जाके काउंटर कर रहे हैं, ये भी मूर्खता की बात है। आप उसको काउंटर क्यों कर रहे हैं? अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन आप अगर जाकर किसी से कहें कि मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु मुझ में है, वो कहेगा दिखाओ, मुझको तो दिख नहीं रहा है। अब ये बताइए, जब तक आप में प्रभु दिखेगा नहीं, वो आपकी बातों को कैसे मान ले? कोई आधार तो होना चाहिए ना, हां के ना? बिना देखे हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए। दोनों बातें, अगर आप बिन देखे कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं तो आप ब्लाइंड फॉलोअर बन गए, वो नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे पीछे आएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे पीछे मुझे फॉलो करेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। पहला ही लाइट क्या करती है? आपकी आईज देख नहीं सकती अगर लाइट ना हो, है? हाँ, लाइट इज द सोर्स ऑफ रेवलेशन। आप क्या चीज देख रहे हैं उसको प्रकट करती लाइट। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पूरी दुनिया में सूर्य का प्रकाश के अलावा लोगों को लाइट मालूम नहीं है कि धार्मिकता का सूर्य भी कोई चीज है, और धार्मिकता के सूर्य के बिना कोई व्यक्ति पिता को नहीं देख सकता, दर्शन नहीं मिलेगा। कितने लोग दर्शनाभिलाषी हैं, यानी दर्शन के अभिलाषी हैं। इसके लिए एकदम वैसे ही जैसे भूख लगती है या प्यास लगती है ना, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। उसके बिना हम तड़प रहे हैं, हमें दर्शन नहीं मिलता। दर्शन कितने लोग चाहते हैं दिल से, ये बहुत गंभीर चीज है लेकिन बहुत दुर्लभ भी है। और पवित्र आत्मा हम सब लोगों को एक नए लेवल पे ले जाना मांग रहा है। वो चाहता है अब हम लोग देखें। दाऊद ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। वी वॉन्ट टू सी यू। इंग्लिश में हम लोग गाना गाते हैं, ओपन द आईज ऑफ आर हार्ट लॉर्ड, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, आई वॉन्ट टू
ये पर्सनल क्यों है, ये कभी भी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। ये लाइन परमेश्वर को सब लोग एक साथ नहीं देख सकते। रेवलेशन इज ऑलवेज पर्सनल। सेकेंड पॉइंट पे हम आ गए हैं, रेवलेशन पर्सनल है। आप देखेंगे किसी भी कलीसिया में जहां पवित्र आत्मा का कार्य होता है, वहां पर सब लोग आपको, सबके पास प्रकाशन नहीं है, क्योंकि जो लोग बॉर्न अगेन नहीं हुए वो अभी लाइन में लगे हुए हैं। बॉर्न अगेन होंगे, लेकिन कब होंगे मालूम है? जब दूसरों में उनको दिखेगा कि ये बदल गया, ये मुझसे बाद में आया, ये आज नई सृष्टि बन गया, मैं वहीं का वहीं। तो उसके अंदर भूख जागेगी, उसके अंदर प्यास जागेगी, उसके अंदर तीव्र इच्छा पैदा होगी, और फिर वो भी परमेश्वर देखेगा अब इसमें आ गई, अब भूख आ गई, खट से बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं है उस विषय के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में दिखाना चाहता है, पूरा करना चाहता है। हम लोग द रिवर ऑफ गॉड, द सोर्स इज फ्रॉम गॉड। हम सेकेंड पार्ट पे आ गए थे, द कोर्स। हम लोग कोर्स में चल रहे हैं, क्या तरीका होगा कि हम परमेश्वर को दर्शन करें, उसके दर्शन पाए। यहां पे इसको फिर से पढ़िए, यीशु मसीह ने कहा पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र, और पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर पुत्र उसे किसे प्रकट करता है। नहीं, पुत्र किसको प्रकट करता है? पिता को। और पिता किसको प्रकट करता है? अरे इसका मतलब दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, और दोनों में ऐसी एकता है कि पिता का प्रेम जिसमें प्रकट होता है वो पुत्र को दिखा देता है, ये है परमेश्वर। और पुत्र का किसी में प्रसन्न होता है तो वो पिता को दिखा देता है, यही है परमेश्वर। लेकिन दोनों एक हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। और इन दोनों के प्रगटीकरण को जो यीशु मसीह कह रहा ना कि जिसको पुत्र चाहे उसको प्रकट करे, तो पुत्र कैसे प्रकट करता? पुत्र का आत्मा हमको क्यों दिया गया? द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। हालेलुया। वो तो चाहता है कि सब देखे, पुत्र तो चाहता है सब देखे, लेकिन लोग बिल्कुल तैयार नहीं है उसके लिए। अरे परमेश्वर के दर्शन आप करना मांग रहे हैं, उसके बाद आप याद रखिए आपका जो लाइफ का कोर्स है ये चेंज हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को चेंज करने के लिए तैयार हैं तभी आपको वो दर्शन देगा, फर्जी नहीं देगा। आप चाहो कि वो एक हाथ से पृथ्वी की चीजों को पकड़ ले, एक हाथ से स्वर्गीय, ना 50-50 नहीं है। हमने पहले भी बताया था 100% वन साइड होना पड़ेगा, और यही रिस्क फैक्टर है, यही पे आपका रिस्क फैक्टर है। कैसे सब कुछ कह दिया? अरे हमें देखिए, हम आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, इसी पृथ्वी पर है, इसी संसार में, इसी शहर में जहां पे आप पीड़ित रहते हो, हम पीड़ित नहीं। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद खुशी से कर सकते हैं। तेरा भला हो, तू भला है, और जब हम उसको वो भला है तो मेरा भला हो, क्योंकि वो भला है। इसलिए नहीं कि हम भले, वो भला। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़िए, सेम वर्ड्स इन इंग्लिश। All things have been entrusted and delivered to me। यानी यीशु मसीह कह रहा है कि पिता ने सब वस्तुएं मेरे वश में कर दी, मुझे दे दी, मेरे हाथ में दे दी। जी, by my father, and no one fully knows and accurately understands the son एक्सेप्ट द फादर। यानी कोई व्यक्ति पूरी तरीके से और एकदम स्पष्ट तरीके से, एक्यूरेटली वर्ड जो है ना, एक्यूरेटली का मतलब होता है बिल्कुल जैसा वो है, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली में एग्जैक्टली, जी, एंड नो वन फुली नोज एंड एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द फादर except the son and anyone to whom the son deliberately का मतलब क्या? अपनी इच्छा से। यीशु मसीह आपको पिता को दिखाएगा, लेकिन इच्छा किसकी होगी? हैं ना, उसकी इच्छा होगी तब दिखाएगा, आपकी इच्छा से नहीं। नहीं, तब तक सब सपनों की इच्छा करते हैं,
लेकिन सबका दिल तैयार नहीं है परमेश्वर के लिए। उसके दर्शन करने का मतलब आपको मालूम है, परमेश्वर के उपस्थिति में जो जाता था वो मर जाता था। क्यों? क्योंकि हम परम पापी और वो परम पवित्र, यानी उसकी नजदीकी भी हमारे लिए पावरफुल है। आपको मालूम है हाई टेंशन जो चलता 33 kV लाइन, 2 फुट दूर से वो खींच के मार देता है, राख कर देता है, इतनी पावर होती है हाई टेंशन के। जो जब वहां पे बस्ती बनने लगती है तो हाई टेंशन हटाए जाते हैं, हाई टेंशन की पावर बहुत जबरदस्त होती है, इसकी मैग्नेटिज्म होता है, इतना पावर होती है। परमेश्वर की पावर उससे कहीं ज्यादा है, और वो आपको, आप उसकी जैसे मूसा के तंबू में आप देखते हैं, वहां पे एक रेवलेशन आपको दिखाते हैं हल्का सा कि आउटर कोर्ट में ही आपका सारा फैसला होना है, अंदर जाने से पहले, यानी होली प्लेस में। अभी आप परमेश्वर की उपस्थिति तो अंदर है ना, प्रेजेंस तो अंदर है, लेकिन उसकी पावर कहां थी? होली प्लेस जो आउटर कोर्ट था वो उसकी पावर वहां पे थी, इसलिए वहां कोई नहीं जा सकता था। उसको कहते हैं परमेश्वर के समीप, जो आउटर कोर्ट है वहां पर ही आपके सारे फैसले हो जाने हैं। आप फिजिकल को वहीं पे छोड़ के आत्मिक होके फाइनल होके आप अंदर जाएंगे तो आप बचेंगे, वरना आप निपट जाएंगे। इसलिए कोई घुस नहीं सकता था। परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्शन क्या रखी थी? एक वो बनाया था, एक गोत्र बनाया था, लेवी गोत्र, केवल उस गोत्र के लोगों को ही अलाउड था, हालांकि वो भी इम्परफेक्ट थे, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस समय परफेक्शन नहीं आ सकता था क्योंकि परमेश्वर का पुत्र नहीं आया था, और उस सब चीजों के द्वारा परमेश्वर ने उस व्यवस्था के द्वारा एक हमको ये दिखाया कि हम प्रथम दृष्टिया कि हम उससे ये रेवलेशन ले कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए हमको या तो प्रेजेंस में जाके मर जाओ या मर के अंदर जाओ नई जिंदगी के साथ, तो मरोगे नहीं। ये प्रकाशन है, वहां रेवलेशन है। हम लोग रेवलेशन की सीरीज में जाएंगे, हम आपको बहुत डिटेल में रेवलेशन दिखाएंगे, लेकिन अभी हमको ये समझना है कि कोई व्यक्ति इस जीवन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। फिजिकल लाइफ उसकी इसी फिजिकल बॉडी में जब स्प्रिट फुली कन्वर्ट है, टोटल कन्वर्ट, वो आप टोटल स्पिरिचुअल होगा, आराम से आएगा जाएगा। यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। आप होली प्लेस में जाकर और बाहर आ सकते हैं संसार में, लेकिन आपकी लाइफ, सांसारिक लाइफ में आपका कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। ये सांसारिक लाइफ का अट्रैक्शन ही आपके इच्छा मृत्यु है, अपनी इच्छा को मारना, यही पे आप टफ है, क्योंकि आपके अंदर इतना अट्रैक्शन भरा हुआ है कि आप अपने अट्रैक्शन के मामले में बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते कि मैं अट्रैक्ट नहीं हूं, यही आपकी क्रूस है। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का तरीका यह है कि आपको इन ट्यून अलाइनमेंट होना है विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, विद द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ गॉड, ये दो चीजों से अगर आपका अलाइनमेंट हो गया तो प्रभु यीशु मसीह आपको चाहेगा कि आप पिता को भी देखो, पुत्र को भी देखो जैसा वो है। जी डेलिबरेटली वहां से Wills to make him, यानी यीशु मसीह ये इच्छा रखता है कि वो हमको और आपको पिता को भी दिखाए और अपने स्वयं को भी दिखाए, दर्शन देना चाहता है। उधर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम हम में है, आप में और हम में है। हम उसके दर्शन के योग्य तो बने, आपके अंदर वो भावनाएं तो, अपनी भावनाओं को तो पहले सही कर लो, अपनी भाभी भावुक इतने ज्यादा हो गए जरा सी चीज में एकदम जैसे गिर के मछली तड़पने लगते, ऐसे तड़पने लगते, ऐसा व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर का दर्शन मिला श्योर है, लेकिन आप कितने तैयार हैं उस दर्शन के लिए, ये है, इस पे काम करना है। और बिना वचन के आपका पर्सपेक्टिव जब तक सही नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा आपको आगे नहीं लेके जाएगा। आप चाहो कि परमेश्वर आपको सब कुछ पहले से दिखा दे फिर हम सोचेंगे, तो उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है, उसके पास तो जो आना चाहता है फुली प्रिपेयर है, आगे बढ़ो, नहीं तो तुम रुको, तब तक रुको जब तक तुम फुली प्रिपेयर ना। हालेलुया। आपको मालूम है कि परमेश्वर, हमने आपको बताया था प्रकाशन
का जो सोर्स है वो स्पिरिचुअल है, यानी परमेश्वर पिता जो आत्मा है वो प्रकाशन दे सकता है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाली आत्मा वो दे सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये दोनों देते हैं। तो पिता और पुत्र दोनों का पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन होता है वो पिता और पुत्र की तरफ से है। फिर तीसरा है शैतान, वो भी प्रकाशन देता है और बहुत जबरदस्त देता है। ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है सेटवे, क्योंकि उसमें पिता पुत्र दोनों नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, और लोग सोचते हैं कि वो 100% सही होगा, ना वो नियर अबाउट भी नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन माइंड से बताया जा रहा है। ह्यूमन माइंड रेवलेशन में काम नहीं करता, इसीलिए प्रीचिंग और टीचिंग फेल है। अब तीसरा है डीमंस, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि ये चारों लोगों के प्रकाशन मैं दिखाऊंगा बाइबल से, एक एक पद निकाल लीजिए मेरे साथ, निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय, पहले ने 18 अध्याय पहले निकालिए, पहले हम दिखाते हैं परमेश्वर पिता ने रेवलेशन दिया अब्राहम को, 18 अध्याय का पहला पद पढ़िए, अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, उस समय तब यहोवा ने किसने दिया, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, इंग्लिश में किसने दर्शन दिया, नाउ द लॉर्ड अपीयर्ड, देखिए गॉड नहीं लिखा है, लॉर्ड हु इज अ ट्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लेकिन ये बिफोर बेथलहम है, इसको थियोफेनी बोलते हैं। ये पिता ने हमेशा पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, ये बात नए नियम में बिल्कुल सही रहेगी, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, केवल पुत्र ने उसको इस संसार में प्रकट किया, किसको, अब्राहम को भी प्रकट किया था। तो अब्राहम ने किसको देखा था, बिफोर बेथलहम, थियोफेनी बोलते हैं। और वैसे ही मूसा आमने सामने किससे बातें करता था, फेस टू फेस, वो भी लॉर्ड था, है ना, कभी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, ये परफेक्ट है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और इस बात का जवाब पूरी बाइबल के बाद आपको समझ में आएगा, अच्छा ये है, वो आमने सामने बात करता था, पुत्र ही आमने सामने बात कर रहा था पहले भी, और पुत्र यहां पर भी है। जी हाँ, हिंदी में आ जाइए, अब्राहम बीच, हाँ जी, तब यहोवा ने उसे आवाज आई थी कि दर्शन दिया, दर्शन आंखों से देखा जाता है कि कानों से सुना जाता है, शुरुआत से परमेश्वर का वचन दर्शन दिखा रहा है और लोग केवल सुन रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स बोलते हैं, सुन के जो सुन रहे हैं वही बिलीव कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं वही बिलीव कर रहे हैं, वही जीवन में फॉलो कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो केवल बोलने वाला नहीं है, पहला काम है आंख, लाइट का मतलब क्या है, यीशु मसीह का कि जगत में ज्योति बनकर आया, काहे के लिए आया था, ताकि जो लोग अब तक उन्होंने नहीं देखा वो देखें, कितने देख पाए, मैं अपनी इस उम्र तक आगे मैंने लोगों को देखता हुआ नहीं पाया, स्पिरिचुअली देख नहीं रहे, वो केवल सुन रहे हैं, अच्छा वो तो ऐसे कहते हैं, आप ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, तुम कहने में फंसे रहोगे सारी जिंदगी, जब तक देखोगे नहीं तब तक निकलोगे नहीं। जी उसने आंख उठाकर, देखिए आ गया, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, देखिए देख क्या देख रहा, वो दर्शन है ये, क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं, यानी प्रभु ने उसको दर्शन दिया, वो दर्शन था तीन पुरुष उसके सामने खड़े, जी जब उसने उन्हें देखा
तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा आगे की ओर, उनसे भेंट करने के लिए। देख क्या रहा है, प्रभु को देख रहा है कि तीन व्यक्तियों को देख रहा है, तीन पुरुषों को देख रहा है। तीन पुरुष आ रहे हैं, लेकिन इन तीन पुरुषों में परमेश्वर का तेज दिख रहा होगा, है ना। अब प्रभु ने तीन लोगों के रूप में क्यों दर्शन दिया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये व्यक्ति हैं। ये उसको अब्राहम को ये दर्शन मिला था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, व्यक्ति है, और वो व्यक्ति उससे मिलने आए। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन में आपको पता चल रहा है, जब पूरी पूरी खोलेंगे सारे दर्शन तो आपको लगेगा अरे सब कुछ तो दिख रहा है, और जो यहां दिख रहा है वो बाहर दिख रहा है जी। और भूमि पर गिरकर अब्राहम उनके सामने भूमि पर गिरा, दंडवत की, यानी उसने वर्शिप किया उनको। अब्राहम वर्शिप जी, और कहने लगा हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। देखिए जब दर्शन मिलेगा ना तो आपका मन करेगा ये चला ना जाए प्रभु, अपने दास के पास से चले ना जाना। मांग नहीं रहा भी, दर्शन मिलने के बाद आदमी मांगता नहीं है। जब दर्शन नहीं मिल रहा वो आदमी मांगता रहता सारी जिंदगी, मंगोगा, क्योंकि इसको दर्शन नहीं मिला। आपके अंदर ये भी मांगना, चाहत भरी हुई ना, ये मिल जाए प्रभु, ये दे दे प्रभु, ये दे दे प्रभु, ये दे दे, मांगना छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो सब कुछ दे, वो देगा तो स्वामी बनाता है, वारिस बनाता है, वरना कुछ नहीं देगा, आपको वारिस बनाएगा। तो वारिस बनने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तब तो आपको वारिस बना देगा, सब कुछ दे देगा, जैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारी सृष्टि का मालिक बनाया। सब कुछ उसके हाथ में है, दुनिया नहीं जानती, ना जाने। परमेश्वर अपने पुत्र को जानता है, पुत्र पिता को जानता है, और तीसरा वो जो पिता पुत्र दोनों को जान जाता है, यीशु मसीह जिसको चाहता है जी। वो कहने लगा मैं थोड़ा सा जल लाता हूं, आप अपने पांव धोकर, देखिए ये कल्चर है, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। भोजन तृप्त करने वाली चीज है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, अपने आप को तृप्त करें जी। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा तीन सा मैदा, ये फाइन फ्लावर बोलते हैं इसको, मैदे को आप व्यवस्था में बहुत पाएंगे फाइन फ्लावर जी, तीन सा मैदा यानी तीन भाग मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। अरे बाप रे बाप, किसी महिला को अचानक से वो घर में बैठी हो फ्री और एकदम से हस्बैंड आए कहे भाई तीन लोग आए तुरंत खाना बना रोटी, आजकल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस जमाने की स्त्रियां बहुत अच्छी थी। वह खट से उसने हस्बैंड का कहना माना जी। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसे जल्दी से उसने पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोसा और आप वृक्ष तले उनके पास, यानी जैसे पहुनाई करते हैं ना, कोई कमी ना हो, देते रहना, सर्व करते रहना, वो कर रहा था जी। और वे खाने लगे, उन्होंने उस, देखिए जब वो खा के तृप्त हुए, प्रभु का दर्शन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दर्शन,
पहले प्रभु का दर्शन और उसके बाद प्रभु की सेवा, ठीक मेजर पॉइंट्स पकड़िएगा। उसके बाद जब प्रभु उससे प्रसन्न हो गए, तृप्त हुए, भोजन से तृप्ति आती है, सेवा करने का भाव देखा, अच्छा लगा, ये बंदा बहुत सही है, तो उन्होंने उसको वरदान दिया। अब वरदान क्या है देखिए, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा प्रभु के जो तीन लोग थे प्रभु के रूप में थे, उन्होंने कहा तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा हाँ, यानी उन्होंने कहा, वो तीनों इंडिविजुअल लेकिन वन पर्सन, एक एक पर्सन में, देखिए बंदे तीन लेकिन एक वचन में बात हो रही है। ये डिवाइन पुस्तक की बहुत खास बात आपको पकड़ा रहे हैं जी। मैं इसीलिए उसने लिखा है, उसने का मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दे लिखा होगा, द लॉर्ड सेड, इसका मतलब वो तीन नहीं हाँ, लेकिन वो प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है और तीनों ऐसे ही प्रसन्न होंगे, तीनों का ऐसे ही दर्शन। ठीक आगे, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा जो थी वो तंबू के द्वार पर, महिलाएं नहीं चुपके ऐसे सुनती रहती पर्दे के आड़ में, क्या बातचीत हो रही है मेरे विषय में, मुझे पूछ रहे जी, तो वो तंबू के द्वार पर जो जो अब्राहम के पीछे था, एकदम पीछे ही थी, सुन रही थी, पति के पीछे कौन था, वो सुन रही थी प्रभु बात कर रहे दर्शन देकर जी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, अब कंडीशन बताई, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसी, जोर से नहीं हंसी थी, मन में। कई बार आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनकर जो आपके लिए प्रार्थना करते समय हम बोल देते हैं, शायद आप मन में हंसते होंगे, अरे ये क्या कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा लगता है, ये स्वाभाविक है आपके लिए, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, संभव नहीं जी। सारा मन में हंसी और कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या ये संभव है कि मुझे ये सुख मिलेगा जी। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, देखिए उनको पता चल जाता, सारा ये कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हो सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है, आपका कैसा भी काम क्यों ना हो जो आप सोचते कि असंभव है, ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा कभी नहीं सही हो सकता, मेरे घर में कभी कुछ नहीं हो सकता सही, असंभव लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रभु पर भरोसा करें, दर्शन देखिए पहले, दर्शन में आ जाइए और हम आपको वो दर्शन दिखा रहे हैं जो वचन में हमको दिखाया प्रभु ने। जब हमने अब्राहम की तरह उसको देख लिया, मैं बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मिल गया, अब प्रभु मिल गया। हम लोग में एक पुराना गीत है, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में, बस हम लग गए सेवा में, यही इंस्पिरेशन है, दर्शन ही इंस्पिरेशन है, वो हमें खड़ा कर देता है जी। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी हाँ, प्रभु ने कहा ना हंसी तो थी, मन में हंसी थी, मैंने देख लिया, प्रभु देख लेगा आप मन में क्या सोच रहे, मन में क्या, आपके मन में क्या आवाज उठ रही वो देख लेगा जी। फिर वो पुरुष चले गए। अब देखिए सदोम की ओर दृष्टि की, आप इसको घर में पढ़िएगा, अब आपको समझ में आने लगेगा, दर्शन दिखने लगेगा। ये आए थे अब्राहम को आशीष देने
पुत्र के लिए। और इसके बाद ये फिर आए थे अब्राहम से, सेकंड टाइम आए तो अब्राहम से इन्होंने कहा कि सदोम अमोरा को हम नष्ट करने जा रहे हैं, बहुत दुष्टता हो गई वहां पर। तो अब्राहम कहने लगा, अरे मेरा भतीजा है वहां पर लूत, हम लोग को अपनों की चिंता आ जाती है ना, प्रभु वहां पर सब नष्ट करेगा, हमारे लोग भी है। उसने कहा मेरा भतीजा है, मेरी उसकी वाइफ है, उसकी दो बेटियां हैं। तो कहने लगा उसने, तब वो उससे बातचीत होती है, अगर एक होगा, एक धर्मी होगा, पढ़ा होगा कई बार, तो उसने कहा नहीं मैं छोड़ दूंगा मैं तो, लेकिन वहां एक भी धर्मी नहीं था। तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत भेजकर लूत को परिवार सहित वहां से निकाल लिया था और उसे नष्ट कर दिया था, सदोम अमोरा। यहां पे हम ये देखते हैं कि ये परमेश्वर यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक दर्शन। लेकिन अब हम आपको शैतान का दर्शन दिखाते हैं, मेरे साथ आ जाइए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। पहले पद से पढ़िए, देखिए शैतान भी दर्शन देता है, रेवलेशन ऑफ सेटन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सबसे ज्यादा धूर्त कौन सा जीव था? सर्प। जी जी, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब एक मिनट रुक जाइए, शैतान ऐसी बात बोलता है जिसकी पूरी जानकारी उसकी पत्नी को नहीं थी। आपके सामने टेम्पटेशन यही आएगा, आपको अगर परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, चिर परिचित जिसको बोलते, चिर परिचित का मतलब टू बी अक्वेंटेड विथ, है ना, आप पूरी तरीके से परिचित नहीं है, आप उसको पहचानते नहीं है, आप उसको ठीक से जानते नहीं, उसका स्वभाव नहीं जानते, तो शैतान आपके सामने ऐसा फंदा खड़ा करेगा जैसे यह स्त्री के द्वारा किया, फट से उसको फंसा लिया। क्या परमेश्वर ने सचमुच मना किया किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? कॉमन सेंस से सोचिए, क्या भूखे रहेंगे? परमेश्वर ने उनके लिए वाटिका लगाई है, सब वृक्षों के फल खाने की आज्ञा दी थी, और उस समय उसकी पत्नी थी कहां? उस समय वो आदम में थी, परमेश्वर ने अलग नहीं किया था, और जब अलग किया तो उस स्त्री को, अब वो एक इंडिविजुअल बन गई, इंडिविजुअल बॉडी। शैतान ने उसको क्यों पकड़ा? अब्राहम से, आदम से क्यों नहीं बात की, उससे क्यों की स्त्री से? क्यों की स्त्री से बात? कई एस्पेक्ट्स है इसमें, पूरी जानकारी थी नहीं, निर्बल इसलिए थी, नर में से निकली नारी कहलाई, है ना, तो मुखिया कौन है? अब नर जो है वो, आदम जो था वो फुली परफेक्ट मैन था, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट बिफोर फॉल, यानी पतन से पहले वो इक्वल टू जीसस क्राइस्ट समझते थे, और वो उसकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल भी ऐसी स्टेज में नहीं थी कि अगर अकेले में कोई उसको दर्शन दे दे तो उस दर्शन में वो बह जाएगी, और शैतान ने यही खेल खेला। इसीलिए यीशु मसीह और कलीसिया में वही सेम पॉइंट्स काम करते हैं, सेम। अब देखिए, पतन में से निकालने का मतलब यह है कि अब तो पुरुष स्त्री दोनों स्त्री वाले पार्ट में, अगर कलीसिया में स्त्री और पुरुष दोनों मसीह की देह यानी उसकी दुल्हन है, तो यहां पर पुरुषों का पार्ट भी स्त्री में आ गया। जी, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। एक्चुअली उसको यह पता करना था कौन सा मना किया, और स्त्री बहुत आसानी से बता देती है, यहां पे सब रखा रहता, बस ये पिन चुबाइए, सट से वो चीज जो असली चीज वो सामने निकल के बाहर आ जाएगी, ये भावुकता है उसकी। जी, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, अब देखिए वहां पर दो थे बीच में, जी, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना। देखिए यहां पर उसने थोड़ा ओवरलैप कर दिया, परमेश्वर ने उसको खाने को मना किया था, छूने को मना नहीं किया था, ओवरलैप इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में ऐसे ही हम भावनात्मक तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं, है ना, हम इसके भी एग्जांपल्स आपको देंगे ओवरलैप कैसे करते, कभी कभी भावनात्मक स्तर इतना बढ़ जाता किसी पॉइंट पे,
प्रीचिंग और टीचिंग में वो गलत है। हमें भावनात्मक तौर पर एकदम नियंत्रित रहना है। प्रभु का आत्मा संयम का आत्मा है, सेल्फ कंट्रोल, अनियंत्रित भावना नहीं। अगर हम आपको वचन शेयर कर रहे हैं और अनियंत्रित भावना में चले गए, ये भी गलत है, मिसलीडिंग है ये। जी नहीं तो मर जाओगे। जी तब सर्प ने स्त्री से कहा, अब देखिए अब सर्प का प्रकाशन चल रहा है। जी तुम निश्चय ही मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उस समय क्या बंद थी? उस समय क्या आंखें बंद थी? नहीं, उस समय फिजिकल आईज की बात कीजिए। फल को देखा कैसे था स्त्री ने? आंखों से तो देखा था, यही आंख थी, पहले भी देखा था, यही आंख थी। हाँ, अब यही तो बता रहे, ये दर्शनों की पुस्तक है और आप किसके नजरिए से आप इसमें जाके देख रहे हैं, आपको वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के पर्सपेक्टिव से इसमें जाएंगे, आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी दिखेगा और आपको ये भी दिखेगा मैं कितना पापी हूं, मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं। कभी भी आप अपने आप को अच्छा मत कहिएगा, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, केवल परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ो, एक मनुष्य है केवल, सिद्ध मनुष्य। जी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः अब देखिए, अब इस स्त्री ने शैतान के प्रकाशन के बाद जब उस पेड़ को देखा, फल को, उसका नजरिया बदल गया। यही रेवलेशन ऑफ सैतान है। जी कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। ऐसे डायरेक्ट अगर शैतान आके दर्शन देता अब्राहम, उसने आदम को दर्शन क्यों नहीं दिया, हवा को क्यों दिया? क्योंकि आदम उस समय, एडम जो था ना, बिफोर फॉल एडम इज इक्वल टू जीसस क्राइस्ट, कभी धोखा नहीं दे सकता शैतान, कभी नहीं दे सकता। शैतान को मालूम है किसको देना है और उसने स्त्री को आराम से, और स्त्री के द्वारा पुरुष ने भी खा लिया। भाई पत्नी है, गलत चीज थोड़ी ना खिलाएगी, और दोनों पतन की अवस्था में चले। अब यहां पर देखिए, इसमें ये रेवलेशन ऑफ सैतान है, रेवलेशन ऑफ सैतान बाइबल शुरू से, दिस इज द प्रोग्रेसिव रेवलेशन ऑफ गॉड है। ये दर्शनों की पुस्तक है। दर्शन हमारे लिए, हमारी जो दर्शन वाली आंखें है ना, वो हमारी क्लोज है, पर्दा पड़ा हुआ, और उन्हीं का पर्दा उठना है। इसके बोलते डिस्क्लोजर, रेवलेशन का मतलब होता है डिस्क्लोजर ऑफ समथिंग दैट इज हिडन प्रीवियसली, यानी जो पहले छिपा हुआ था, नहीं दिखता था, वो दिखने लगे। मेरी जेब में अगर यहां पर एक कोई चीज रखी, मान लीजिए आम रखा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आम रखा है, मैं आपसे कहूं मेरे पास आम है, आप कुछ लोग जो है वो मुझ पर, यानी ये जानते हैं कि झूठ नहीं बोल रहे, तो आपको मालूम होगा। लेकिन आपको हम ये बोले आम है और आपको हम आम दिखाए ना, तो आप कैसे विश्वास करेंगे इनके पास है? हम अंदर से जेब से ऐसे हाथ डाले आम निकाल के और हम लोग आपस में काट के शेयर कर लें, तो आप कहेंगे हाँ वाकई में इनके पास आम था। आपके पास अगर परमेश्वर का प्रकाश है, डिवाइन लाइट है, तो कहाँ है? रेवलेशन का मतलब कोई चीज जो नहीं दिखती, नहीं है, छिपी हुई है, उसका प्रकट हो जाना, ये इसी को बोलते हैं रेवलेशन, रिवील। लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन, वो हिंदी में वो भी प्रकट है, प्रगटीकरण कहते हैं। प्रगटीकरण का, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है, जैसे आम मेरी जेब में है और मैं आपसे कह रहा हूं आम है, मैंने निकाल के आपको दिखाया, ये देखिए आम है, ये है रेवलेशन। लेकिन हमने उसको काट कर आपस में शेयर किया, ये है मैनिफेस्टेशन। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम्हारे जीवन से वो प्रगटीकरण, जो प्रकाशन है यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रकाशन है, वो तुम्हारे जीवन से प्रकट होने लगेगा पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, और तब लोगों को पता चल जाएगा इनके पास है। तुम्हारे पास शांति नहीं, तुम दूसरे को शांति की बातें कैसे कर सकते?
तुम्हारे पास धीरज नहीं है, तुम दूसरे को कैसे धीरज धरा सकते हो? तुम्हारे पास संयम नहीं, तुम दूसरे को कैसे संयम करके बोल सकते हो? कैसे आप प्रीच कर सकते हैं? तुम खुद क्रोध करते, दूसरे को कैसे आप कह सकते हैं क्रोध मत कर? क्या प्रीच करने लायक है ऐसे? तो ये प्रीचिंग तो बेकार हो गई, प्रीचिंग बेकार हो गई। आप लोग बस कहते रहे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। अरे ये तो बचपन से लोग जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचर, स्वभाव है, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनजाने में हो जा रहा है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी को, पुरानी रीति विधियों को क्लोज कर दिया। नहीं, अब ये शिक्षा देने का समय नहीं है, देखो और चलो, दर्शन पाओ, प्रभु के साथ हो लो। क्या आप दर्शन पाने के लिए और प्रभु के साथ होने के लिए तैयार हैं? किंगडम ऑफ गॉड देख कर ही मिलेगा, वहां थ्योरी नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है, और सामर्थ अगर नहीं है तो कौन सा प्रकाशन? शैतान भी तो प्रकाशन देता है, वो आपको ऐसे ऐसे प्रकाशन देगा। एक और निकाल लीजिए, 22 अध्याय में आ जाइए, उत्पत्ति 22 अध्याय, बहुत जल्दी से 22 अध्याय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 22 अध्याय नहीं, 21 अध्याय में आइए, 14 पद से पढ़िए, 21 अध्याय। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी, हाँ वही मशक जिसको बोलते हैं, चमड़े की थैली ली, हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रख दी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा कर दिया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को, उस बच्चे को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। और आप हैं उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझे अपने बेटे की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, ईश्वर ने किस लड़के, ये इश्माइल है, उस बच्चे का रोना सुना। परमेश्वर बिल्कुल भेदभाव नहीं करता किसी मनुष्य, उस बच्चे का रोना, रही अबोध बच्चा है, इसको प्यास लगी, इसकी माँ बेबस है, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। या ईश्वर लिखा मीन्स लॉर्ड इंग्लिश में जी, और उसने और उसके दूत ने, यानी प्रभु के दूत ने, यहां पे स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा प्रॉमिस, उसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा जी। और परमेश्वर ने किसकी, पहले क्या थी, बंद थी, वो तो अपने बच्चे को देख रही थी तड़पता हुआ, खुली थी नाक, फिर वही पर्सपेक्टिव वाली बात आई, परमेश्वर वो स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। अब ये देखिए, आईज ऑफ रेवलेशन, ये प्रकाशन की आंख है। जैसे ही आंख खुली क्या हुआ, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया, वो बहुत बढ़िया शिकारी था। अब देखिए यहां पर परमेश्वर ने
इसको दर्शन दिया, इसकी इसकी दर्शी रूपी आंखों को खोल दिया। अब जल्दी से मेरे पास आगे बढ़ जाइए। देखिए शैतान ने उसको स्त्री को वो दिया था ना प्रकाशन। अब आ जाइए नए नियम में, मत्ती रचित सुषमाचार उसका 4 अध्याय उसका पहले पद से पढ़िए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, किससे? यीशु मसीह से कहा, यदि तू, शक डाल के बात कर रहा था, अगर तू खुदा का बेटा है जी तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। प्रकाशन तो दे रहा था। कई बार मसीह लोग कहते ना, कह रहे नहीं हम तो जो बोले हो जाएगा। अरे बहुत सावधान रहना, तुम्हारे मुंह से राइट वर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड नहीं निकलेगा। जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अभी इतना लोगों को समझ नहीं है, बोल तो रहे को मनमाना नहीं बोलना चाहिए। यही तो डिसिप्लिन, पवित्र आत्मा हमारे अंदर संयम क्या है, बोलने मुताबली मत करना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, सब उपदेशक में लिखा हुआ, तो सावधानी से चलना और बोलने में उतावली मत करना। पहली बार प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह ने कहा था, बक मत करना, बहुत बोलने से सुनी नहीं जाएगी। डिसिप्लिन है ये, और लोगों की डिसिप्लिन है, आउट ऑफ कंट्रोल गए, इमोशनली हो गए इतना ज्यादा, और ओवरलैप होना इमोशन का, ये डिसऑर्डर है, नहीं होना चाहिए जी। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। यीशु मसीह का सोर्स क्या था? रिटन वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह यहां से बोल रहा था, शैतान अपना प्रकाशन दे रहा है, यीशु मसीह काउंटर कर रहा था फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, रिटन वर्ड। आपको भी जब प्रकाशन मिले तो उसका काउंटर यहां से कीजिएगा, रिटन वर्ड से। अगर रिटन वर्ड से आपने काउंटर नहीं किया तो जैसे हवा का हाल हुआ, आपका हाल हो जाएगा, घसीट ले जाएगा जी। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो बाइबल में लिखा हुआ है, रेमा स्पोकन वर्ड। पवित्र आत्मा किसी भी बॉडी में होकर बोलेगा, आप उस व्यक्ति के कारण उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्यों बोल रहा है। लोग यीशु मसीह का नाम आता है, यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की उस आवाज को या उस दर्शन को ग्रहण नहीं करते, केवल यीशु मसीह। चिड़ किससे है? सब कहां फंस गए? चिड़ में फंस गए। यहां इमोशन नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर के से अगर संपर्क चाहिए, आपको परमेश्वर से हल मिलना है, परमेश्वर की दया चाहिए, परमेश्वर का प्रेम चाहिए, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आप जिसे नहीं पसंद करते, क्योंकि पवित्र आत्मा वहीं से बात करेगा जी। जीवित रहेगा तब इबलीस उसे, देखिए अब उसके साथ साथ उसको ले जा रहा है, दर्शन दिखा रहा भाई, जो सब चीजें दिखा रहा, दर्शा रहा है, और पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। क्योंकि उसको मालूम था ये रिटन वर्ड से बात कर रहा है, तो शैतान भी रिटन वर्ड पे आ गया, कहने लगा, क्योंकि लिखा है कहां? बाइबल में ही लिखा है, वचन में ही लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। चैलेंज कर रहा यीशु मसीह को जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे यीशु ने उससे कहा, इसका मतलब शैतान रिटन वर्ड से भी बात करेगा। नोट द पॉइंट, हमेशा पॉइंट नोट कर लीजिए, शैतान रिटन वर्ड से भी बात कर सकता है। आज कलीसियाओं में क्यों पौलुस ने कहा कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के आने वाले समयों में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर यानी सत्य से बहक जाएंगे। ये पास्टरल लेटर है, पास्टर्स के लिए लिखा गया है, तिमोथियस।
और पास्टरल लेटर, इसका मतलब ऐसे सेवक खड़े हो जाएंगे जो वचन के प्रकार, वचन का सैटनिक प्रकाशन में वचन प्रचार करने लगेंगे, शिक्षाएं देने लगेंगे लोगों को। आज वो है, आपको दिख रहा है, यहां जो बताया जा रहा है वो यहां सब दिख रहा है, दर्शन है जी। तू अब यीशु मसीह ने उसको डांट के कहा तू अभी प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, ये भी लिखा हुआ है जी। फिर इब्लीस फिर एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव। आपको क्या चीज चाहिए? आज एक कॉमन मैन का जो सपना है उसके अंदर अभिलाषा, वो क्या है? वैभव। हर आदमी वैभव की कल्पना करता है, सारे संसार का राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे दंडवत करे, यानी इफ यू बाउ डाउन एंड वर्शिप मी, तू मेरी आराधना करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज लोग मालूम है यही सब चीजें पाने के लिए किसको दंडवत कर रहे हैं? संसार का राज्य वैभव पाने के लिए हैं? और वो दे रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं देगा, नहीं देगा। परमेश्वर आपको बर्बाद नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको कहेगा जैसे मेरा पुत्र मर के जी उठा, तुम भी मर के जी उठो, तब तुम मेरे बेटे। यही है प्रकाशन, डेथ बरियल एंड रेजरेक्शन में यही प्रकाशन है। आपका पुनरुत्थान का मतलब मृत्यु के बाद का जीवन जी। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसने देखा ये नहीं है, ये वो गुड़ नहीं है जिसमें चींटे लगे। क्या आप ऐसे हैं या ऐसा होना चाहते हैं जिस पर शैतान का कोई दांव ना चले? हालेलुया। अभी बहुत स्वाभाविक कमजोरियां हैं, भावनात्मक कमजोरियां भी समय समय पर रिवील होंगी। इसीलिए बोला गया परमेश्वर का वचन एक एक इंटेंशन और हमारी भावनाओं को परखेगा, और जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं। लेकिन आपको निमंत्रण खुला है, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, मना ही किसी को नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में हम मानव हैं, होमो सेपियंस हैं, उसकी दृष्टि में हम जातिवाद की नजर से नहीं देखता, वो मानव दृष्टिकोण के एक मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। हम परमेश्वर के इमेज बेरर थे, लेकिन आज हम अपने इमेज बेरर बन रहे हैं, अपनी इमेज बनाने में लगे हुए। परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा प्रकाशन दे रहा है। क्या आप इस प्रकाशन को देख पा रहे हैं? इस प्रकाशन से अपने आप को देख पा रहे हैं? इस प्रकाशन में अपने आप को देखिए, आप कहां हैं आज, आप कहां खड़े हुए हैं? लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, दूसरा कुरंथियों 13 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए हिंदी में फिर इंग्लिश में। दूसरा कुरंथियों, अपने आप को परखो के विश्वास में हो के, कैसे परखो? वचन में, प्रकाशन में जाओ और देखो कि तुम उसके लायक हो। मैं जब जब प्रकाशन में जाता मुझे देखता मैं इस लायक नहीं, मैं नहीं इस लायक, आज तक नहीं प्रभु, मैं इस लायक ना तो था, ना हूं और ना आगे हो पाऊंगा, लेकिन आपका प्रेम और अनुग्रह है, आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें ग्रहण किया है, तो हमारी धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। हम अपने ऊपर कभी भी ये नहीं कर सकते, दावा कर सकते कि हमसे ये गलती नहीं होगी। हाँ प्रभु हमसे गलती होगी, लेकिन आप हमको हर चीज से बचाने वाले, ये वचन में मन लगाए रहेंगे तो एरर्स नहीं होंगे, ये हमारे ऊपर है। हम इतना वचन में फोकस रहे कि हम एरर्स से बच जाए, छोटे छोटे एरर्स से। अब देखिए यहां पर पढ़िए, अपने आप को परखो के विश्वास में हो के नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं, कितनों में है? बिग चैलेंज। यीशु मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम निकम्मे हो, तुमने इस विषय में अपने जीवन में कोई काम नहीं किया, अपने मन पे वचन में नहीं, तुमने फोकस नहीं किया, तुमने वचन को अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं किया,
तुम बिल्कुल नहीं, तुम कहते हो कि हम सुन रहे हैं, तुम कहते हो कि हमें समझ में आ रहा, लेकिन नहीं, तुमने अपने आप को जांचा नहीं। ये वचन आईना है, तुमको अपने वचन के आईने में जाके देखना कि मैं इस लायक ना था, मैं तो बहुत गंदा पापी इंसान हूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह देखो, उसका प्यार देखो, उसने मुझ पापी के लिए अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया ताकि मैं नया जीवन पा जाऊं। प्रकाशन, आपको प्रकाशन मिलना चाहिए, इसी बात में प्रकाशन। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, सेकंड कुरिन्थियन्स चैप्टर 13 वर्स 5 इन इंग्लिश। एग्जामिन, बस देखिए वर्ड्स को बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पे हिंदी में लिखा अपने आप को परखो, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? एग्जामिन। एग्जामिन कैसे किया जाता है? नहीं, एग्जामिन पहले एक वर्ड लीजिए, एग्जामिन, डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, कैसे, कितने टेस्ट करवा डालता है। ये एग्जामिन, जब तक मसला ना पकड़ में आए, एग्जामिन, एग्जामिनेशन चलता रहता है, एग्जामिन एंड टेस्ट। और उसके बाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपना मूल्यांकन करना सीखो वचन के आधार पर। प्रकाशन आपको जब मिलता है तो ये आपको मूल्यांकन करो कि देखो, परमेश्वर ने, वो लोग अयोग्य थे, परमेश्वर ने उन पर दया की, तुम पर क्यों नहीं कर रहा है। मूल्यांकन करो अपना, इवैल्यूएट योरसेल्फ टू सी, देखिए यहां पे फिर देखने की बात कर रहा है, टू सी वेदर यू आर होल्डिंग टू योर फेथ, क्या तुम विश्वास में हो या मसीह तुम में है कि नहीं। विश्वास का मतलब यीशु मसीह है जी, एंड शोइंग द प्रॉपर, ये देखिए मैनिफेस्टेशन की बात, अगर आपको रेवलेशन मिला है कि यीशु मसीह वो जीवन की ज्योति है, वो मुझ में है, तो वो ज्योति का मैनिफेस्टेशन आपके जीवन से क्यों नहीं हो रहा, प्रकटीकरण, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं है जी। टेस्ट एंड प्रूव योर सेल्फ नॉट क्राइस्ट, यीशु मसीह को ना परखो, ना उसको परखने की कोशिश करो, अपने आप को परखो और ये देखो कि तुम में वो है कि नहीं। इस प्रकाशन के साथ मैं यहां पर रोकूंगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके दर्शी रूपी सिरों को खोल दे, वो आंखें जो आपको बाइबल में बार बार दिखता है कि आंखें खुली और उसने देखा कि यहां पर ये है। Thank you, spiritual eyes, open the eyes of our heart, Lord. हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन में उन चीजों को देखें जो आपने हमारे लिए रखी, ताकि हम देखें और आपकी महिमा का कारण। Thank you, Lord. जो लोग इस दर्शन के अभिलाषी हैं, वो अपने स्थान पे खड़े हों और इस इच्छा के साथ कि प्रभु मैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ और पूरे मन की तैयारी के साथ आऊंगा ताकि मेरे जीवन में आपका दर्शन हमें प्राप्त हो, हम आपको देख सके। यस यू कैन सी, लेकिन प्रभु की इच्छा जिस दिन होगी उस दिन वो आपकी आंखें खोल देगा। ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर ये है कि आप अपने मन को तैयार कीजिए कि आप उसको देखने के अभिलाषी हैं कि नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो पिता ने हमसे किया, अपने पुत्र के बलिदान को करके हमारे सामने अपने प्रेम को प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जब हम पर होता है तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, वो हमें परमेश्वर की संतान बना देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बना देता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचन में मन लगा रहे हैं और हृदय से के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी इच्छा के साथ आपके वचन में लगे हुए हैं, प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो, वो महिमा जो आपके द्वारा प्रकट करने से होती है, ताकि आपका नाम महिमा पाए, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।